हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा क्लाइमेट चेंज पे है और क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का ओल्डेस्ट केव आर्ट जो है वो बर्बाद हो रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज पे ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो मैंने बनाई हैं, काफ़ी अलग अलग वीडियोस, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आपको याद हो डार्विन्स आँख की बात की थी हमने, गैलापागोस आइलैंड में वो टूट गई। उसके बाद आप देख सकते हैं उत्तराखंड विलेज की, रिसेंटली दो वीडियोज़ की बात कर रही हूँ क्लाइमेट चेंज पे। उत्तराखंड में लोग हिली एरियाज़ पे, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे फार्मिंग को अबैंडन करके माइग्रेट कर रहे हैं। और अब ये रिसेंटली ऐसा तीसरा वीडियो है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब आप मेन्स आंसर राइटिंग करते हैं, मेन्स में आंसर लिखते हैं, तो आपको क्लाइमेट चेंज पे भी हर एस्पेक्ट देना है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं, इकोनॉमिकली लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट को क्या नुकसान है, हर एंगल से। ओके, तो यहाँ पे हम हेरिटेज की बात कर रहे हैं कि हमारे जो ओल्ड लिगेसी है या पुराने केव आर्ट्स हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। अब हम मुद्दे पे आते हैं। देखिए, एक टीम है ऑस्ट्रेलियन एंड इंडोनेशियन आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट की, कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट की, हेरिटेज मैनेजर्स की। उन्होंने अराउंड ऐसे 11 केव्स हो गई गुफा और रॉक शेल्टर्स जो हैं मैरोस पैंकेप रीजन एंड सुलावेसी इंडोनेशिया में, यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो जितना भी केव आर्ट है वो बर्बाद हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हैंड स्टेंसिल, ऑलमोस्ट 40,000 साल पुराना। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की पेंटिंग्स हैं, हाथ लोगों ने कलर करके वहाँ पर प्रिंट किए हुए हैं, स्प्रे किया हुआ है, हाथ एक केव पे रख के ऊपर से स्प्रे किया क्योंकि उससे आपके हाथ का इम्प्रिंट रह जाएगा। यानी उन्होंने वेट रेड मलबरी पिगमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। ये ओल्डेस्ट केव आर्ट है वो बर्बाद हो रहा है। तो सुलावेसी, जिसका मैंने नाम लिया, ये एरिया है इंडोनेशिया में जहाँ पे ओल्डेस्ट केव आर्ट है और जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट है जहाँ पे एक वाइल्ड पिग जो है उसका डिस्क्रिप्शन है, ड्रॉ किया हुआ है, लाइफ साइज्ड पिक्चर है। इसको ऑलमोस्ट कहा जाता है पेंट किया गया होगा 45,500 ईयर्स पहले इंडोनेशिया में। ये जो हाथ वाला केव आर्ट है, ये देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो पिग वाला है ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो केव आर्ट है सुलावेसी का, यूरोप का प्री हिस्टोरिक केव आर्ट बहुत पुराना माना जाता है, और जो सुलावेसी का है ये यूरोप के केव आर्ट से भी पुराना है। और ये जो पिक्चर जो हैं ये कहाँ पे मिली हैं, लियाओ टेडोंगी केव इन रिमोट वैली इन द आइलैंड ऑफ सुलावेसी इंडोनेशिया में, जहाँ की हम बात करें। और ये जो पिग का मैंने आपको बताया, ये आप देख सकते हैं इस तरह का वहाँ पे केव्स में ये आर्ट बना हुआ है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक पिग है जिसका एक शॉर्ट क्रेस्ट है, अपराइट हेयर्स हैं और हॉर्न लाइक उसके जो पेयर ऑफ हॉर्न लाइक फेशियल वॉट्स हैं आइज के सामने, और जो भी सुलावेसी वाटी पिग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो इस तरह से एक पिग दिखाया है और रेड ओके पिगमेंट यूज करके इसको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। और मे बी आप इससे जैसे आर्ट को समझने की बात होती है कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कि ये पिग जो है शायद बाकी दो पिग्स की फाइट देख रहा है या कोई सोशल इंटरेक्शन देख रहा है दो बाकी के वाटी पिग्स की। तो इस तरह से इसको वहाँ पे ड्रॉ किया गया, इसको भी नुकसान हो रहा है। ये वही केव है जहाँ पे और भी आर्ट्स हैं और सारे जितने भी आर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब देखिए, एक ओल्डेस्ट डेटेड रॉक आर्ट सीन है 43,900 ईयर्स पहला, जब हाइब्रिड ह्यूमन एनिमल यानी आधा इंसान और आधा जानवर जो है हंटिंग कर रहा है इस पिग्स की। इस तरह का आर्ट भी केव्स में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लाइमस्टोन केव साइट्स बहुत हैं जो कि बर्बाद हो रही हैं। अब साइंटिस्ट ने ये वॉर्न किया है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ये ओल्डेस्ट और प्रेशियस पीसेस जो हैं वर्ल्ड्स ह्यूमन हेरिटेज के, क्योंकि किसी एक कंट्री की हेरिटेज नहीं है, ये एक लीगेसी है, हेरिटेज है जो सबसे बिलोंग करती है, सबको बिलोंग करती है, वो बर्बाद हो रही है। और किसकी वजह से, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। और इनफैक्ट जो कैनवस लाइक पेंटिंग्स हैं वो भी बर्बाद हो रही हैं। 300 केव साइट्स जो हैं वो रिस्क पे हैं सदर्न सुलावेसी में, जो कि बर्बाद हो रही है और आने वाले समय में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी।
और इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप से भी बेटर नोन वर्क पीसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब क्लाइमेट चेंज कैसे इसको नुकसान पहुंचा रहा है, एक तो आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, इमिडिएटली टेम्परेचर कभी बहुत इंक्रीज हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो पेंटिंग्स पे उसका बहुत असर पड़ रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है कि 1950s के बाद ये पेंटिंग्स दीवार से पील ऑफ होना शुरू हो गई हैं, और लेटेस्ट स्टडी ये बताती है कि ये जो एरिया है एलिनो के एरिया में आता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो डैमेज है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद रोल आता है सॉल्ट का, हीट का और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का। ये तीनों चीज़ें भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, डिग्रेड करती हैं, क्योंकि एकदम कंडीशंस चेंज होती हैं, एकदम ड्राई कंडीशंस होती हैं, फिर एकदम ह्यूमिडिटी हो जाती है, मॉनसून रेनफॉल आ जाता है, जिससे जो सॉल्ट्स हैं वो केव के सरफेसेस पे, दीवारों पे सॉल्ट्स रह जाते हैं, और एक्सफोलिएशन होती है जो पील ऑफ होने लग जाते हैं वहाँ से, जितना भी आर्ट है वहाँ पे। अब जो सोल्यूशन है वो तो इवेपोरेट कर जाएगी, पीछे सॉल्ट बचेगा, और सॉल्ट कभी एक्सपैंड होगा टेम्परेचर की वजह से, कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी वजह से दीवारों पे जो पेंट्स हैं उनमें दरारें आ जाएंगी और वो पील ऑफ होना शुरू हो जाएंगी, या फिर रेपिटेटिव स्टेन्स वहाँ पे, मतलब ये जो इतना ज़्यादा प्रेशर उन पर पड़ेगा वो पूरे पेंटिंग्स जो है वो ख़राब हो रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, और जो फ्लेक्स हैं आप कह सकते हैं पपड़ी जो दीवारों से उतरती है वो उतर के वो पेंट्स जो हैं बिल्कुल ये जो आर्ट है वो ख़राब हो रहा है। तो अल्टीमेटली हीट, सॉल्ट और क्लाइमेट की वजह से ये सारा जो प्रेशर है, क्रैक्स जो हैं वो पेंटिंग्स में आ रहे हैं। और ये केव्स हैं इस तरह की, इनकी पिक्चर्स ली गई हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद देखिए जो एरिया है सुलावेसी, ये आपका ऑस्ट्रेलियन मॉनसून रीजन में आता है, जिसका मतलब ये एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उससे इसको बहुत ज़्यादा खतरा है, और हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन हेरिटेज का पार्ट खो देंगे अगर वहाँ की गवर्नमेंट्स ने या कोई इंटरनेशनल एजेंसी ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पार्ट नहीं लिया। इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, अगर एजेंसीज या गवर्नमेंट्स एक्टिव रोल प्ले करें तो वो इस आर्ट को सेव कर सकती हैं। और जो रेट ऑफ एक्सफोलिएशन है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखिए एक बलाई पेलिस्टेरियन सगार बुदाया कल्चरल हेरिटेज एजेंसी है, उन्होंने एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, लॉन्च किया है, जो ये जो पेंटिंग्स का क्या स्टेट है इसको देखेंगे, रिसर्चर्स देख रहे हैं, क्योंकि वो अब सपोर्ट चाहते हैं कि इस इनिशिएटिव को कोई सपोर्ट मिले ताकि हम इस हेरिटेज को बचा पाए। तो ये अभी करंट अफेयर था, इसी के चलते यहाँ पे हम केव पेंटिंग्स इंडिया की भी देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी केव प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स बहुत इंडिया में हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर है केव्स में, टेंपल्स हैं, स्कल्पचर्स हैं इंडिया में, बहुत ही आर्ट आपको इंडिया में भी मिलेगा, रॉक आर्ट्स एंशियंट हैं, ह्यूमन मेड मार्किंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स नेचुरल स्टोन पे, पत्थर पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी, फिर पेंटिंग्स ड्राइंग्स भी मिलेंगी, और इंडिया के जो टेंपल्स हैं या रॉक आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत अच्छी रिपोजिटरी इंडिया में मिलती है हमको। तीन फॉर्म्स यूजुअली इसके होते हैं, एक है आपका पेट्रोग्लाइफ्स, यानी रॉक सरफेस पे जो कुछ भी आर्ट किया हो, काव किया हो, उसको हम पेट्रोग्लाइफ्स बोलते हैं, फिर पिक्टोग्राफ्स होते हैं जिनको सरफेस पे पेंट किया गया हो, फिर अर्थ फिगर्स आती है, अर्थ फिगर्स क्या हो गई, जिनको ग्राउंड पे जो फिगर्स बनाई जाती हैं, तो इस तरह का ये तीन तरह में हमको इंडिया में मिलता है। अब इनको जल्दी जल्दी हम देख लेंगे, अजंता केव्स के बारे में आपने सुना होगा, ये रॉक कट केव्स हैं, रॉक कट वेव्स हैं सह्याद्री रेंजेस में वेस्टर्न घाट्स पे, और नंबर ऑफ केव्स आप देखेंगे 29 केव्स हैं, और इसमें से 25 वर यूज्ड एज विहारास और रेजिडेंशियल केव्स एंड 4 वर यूज्ड एज चैत्य और प्रेयर हॉल्स। तो ये आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे विजिट किया है अजंता केव्स। फिर यहाँ पे पेंटिंग्स अगर आप देखें, जो फिगर्स इन दीज केव्स, जो भी फिगर्स इसमें यूज हुई हैं, फ्रेस्को पेंटिंग यूज किया गया है, ब्लू कलर का एब्सेंस है जो इसका स्पेशियलिटी है, और बुद्धिज्म के आगे पीछे पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। फिर एलोरा केव्स आ गए, 100 किलोमीटर्स ये अजंता केव से दूर हैं, ये भी सह्याद्री रेंज महाराष्ट्र में है। 34 केव्स हैं, 17 ब्रह्मानिकल मिलती हैं, और 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन टाइप की केव्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद यूनेस्को साइट एलोरा कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा में दिया गया था 1983 में, और यहाँ पे मोस्ट रिमार्केबल केव टेंपल्स हैं कैलासा
ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे पीडीएफ में डिटेल में पढ़ सकते हैं। एलिफेंटा केव्स के बारे में आपने सुना होगा, घारापुरी में, सॉरी घारापुरी इनको कहा जाता है एलिफेंटा, एंशियंटली इसको क्या बोला जाता था, घारापुरी। और ये आइलैंड कैपिटल थी कोंकण मौर्यास की। ओके, तो एलिफेंटा केव्स जो है बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन, बहुत ही टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं। स्कल्पचर्ड कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपने भीमबेटका के बारे में सुना होगा, रॉक शेल्टर्स हैं ये, आर्कियोलॉजिकल साइट है सेंट्रल इंडिया की। और प्री हिस्टोरिकल पैलियोलिथिक और मिजोलिथिक पीरियड आपको यहाँ पे एक हिस्टोरिक पीरियड देखने को मिलेगा कि किस तरह की ये रॉक शेल्टर्स उस वक्त होते थे। भीमबेटका भी बहुत फेमस है और देख सकते हैं ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 7 hills एंड ओवर 750 रॉक शेल्टर्स जो कि 10 किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो ये प्रिलिम्स के लिए अगर आप देखेंगे, ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सारा। और पेंटिंग्स भी अगर आप भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में देखेंगे तो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स आपको मिलेंगी, 10,000 साल पुरानी और इंडियन मिजोलिथिक पीरियड से रिलेटेड। और ये रेड और वाइट कलर में वॉल्स पे आपको दिखेंगी क्योंकि कलर स्कीमिंग कैसी थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही था आज का लेक्चर हमारा, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो केव आर्ट है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ से की वजह से बर्बाद हो रहा है। और उसके बाद हमने इंडिया के कुछ केव आर्ट्स के बारे में इन जनरल थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है वो किया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा डिटेल में पढ़ने के लिए। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।